जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की एक जैन दर्शन में एक शब्द आता है वास्तु स्वतंत्र। इसी नारे को लोकमान्य तिलक ने देश के लिए लगाया था। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसको लोग समझ नहीं पा रहे। स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदलती जा रही है और आप लोग एक ही बात कहते हैं, हम तो स्वतंत्र हैं, हम किसी के अंडर में नहीं चल सकते, हमारे ऊपर किसी का कुछ नहीं, हम स्वतंत्र हैं। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने स्वतंत्रता की परिभाषा बनाई, जो कभी अपनी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता है उसी का नाम स्वतंत्रता है। जो अपने मन के अनुसार नहीं चलता है उसी का नाम स्वतंत्रता है। जो अपने अनुभव से नहीं चलता है उसी का नाम स्वतंत्रता है। बहुत बड़ी बात कही। अपना अभी दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में चल रहा है, उस कमजोरी पर प्रहार किया जा रहा है जो कमजोरी हमारे रोम रोम में समाई हुई है। हमें ऐसा पता नहीं किसने संस्कार दे दिया है, लगता है जो व्यक्ति अपनी मर्जी से जीना चाहता है या तो वो पशु पर्याय से आया है या पशु पर्याय में जाने की तैयारी कर रहा है। मैंने एक दिन कहा था, जब तुम्हारे मन में ऐसा भाव आवे कि मैं जो चाहूँ हो जाए, नियम से उस समय तुम पशु बन चुके हो। पशु का संस्कार तुम्हारे अंदर जाग गया है। तुम अपनी जिंदगी को इतना निरंकुश बनाना चाहते हो, तुम अपनी जिंदगी में वह सब कुछ पाना चाहते हो जो तुम्हारी इच्छा है, यही तुम्हारे विनाश का कारण है। कल अपना प्रसंग चला था, वरदान देने वाले बहुत बड़े डिटेल में बताया था। यदि तुम्हें किसी अपने व्यक्ति से प्यार है, वरदान कभी छोटा नहीं देता, बड़ा देता है। और दान बड़ा नहीं देता, छोटा देता है। रिपीट कर रहा हूं, वरदान हमेशा बड़े लोग देते हैं और दान सदा छोटे लोग देते हैं। बड़े लोग वरदान देते हैं। जब बड़े लोग हमें कोई चीज देवे तो उसको दान नहीं मानना, वरदान मानना, क्योंकि बड़े लोगों को स्पष्ट रूप से कहा है वे छोटे लोगों को कोई दान न देवे। और बड़े लोगों से दान लेना बर्बादी का कारण है। दान लेना, बड़े लोगों से कोई भी चीज दान में मत लेना, कोई भी चीज। बड़े लोगों से कोई भी चीज मत लिया करो दान में,
महाराज यदि तुम्हें कुछ भी दें कि लो मैं तुम्हें ये चीज़ दान में देता हूँ, ये चश्मा दान में देता हूँ, ये पेंसिल दान में देता हूँ, मत लेना महानुभाव। बड़े लोगों का दान और मृत्यु के उपलक्ष्य में लिया हुआ दान हमारी जिंदगी को बहुत नकारात्मक बना देता है। दान सदा छोटा देता है बड़ों को, पात्र को दिया जाता है दान, पात्र छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। जो हमसे पूज्य हैं, हमसे आराध्य हैं, जो हमसे महाशक्तिमान हैं, उनको दान दिया जाता है। जैसे आप लोग आहार दान देते हैं, आहार दान छोटों को नहीं दिया जाता, आहार दान बड़ों को दिया जाता है। औषधि दान छोटों को नहीं दिया जाता, बड़ों को दिया जाता है। अभय दान छोटों को नहीं दिया जाता, बड़ों को दिया जाता है। उपकरण दान छोटों को नहीं दिया जाता, बड़ों को दिया जाता है। दान शब्द जब तुम्हारी जिंदगी में आवे तो तुरंत देखना कि ये व्यक्ति हमसे बड़ा है या छोटा है, चाहे वो माता पिता हो। माता पिता के हाथ से कभी दान मत लेना। माता पिता तुम्हें कहें कि लो मैं ये मकान तुम्हें दान में देते हैं, ये मकान तुम्हारे लिए दिया जाता है, भूल कर मत रहना महानुभाव, सड़क पर सो जाना, लेकिन पिताजी के दिए हुए दान के मकान में मत रहना, दान में नहीं लेना, दान में नहीं लेना। पिताजी कहे लो मैं तुम्हें ये दुकान दान में देता हूँ, नहीं लेना। पिताजी कहें लो ये सोने की मोहर दान में लेता हूँ, मत लेना, क्योंकि वो तुमसे बड़े हैं कि छोटे हैं, बड़ों से दान नहीं लेना। इसलिए तो बड़े लोग पिता लोग पूरी संपत्ति लेते लेकिन उसको दान की कोठी में नहीं आया, दान की कोठी में नहीं आता। राजा से कभी दान मत लेना, राजा कभी दान नहीं दे सकता, देना भी नहीं। कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा कि राजा ने कभी प्रजा को दान दिया है, लेना भी नहीं। और हम महाराजों से तो कभी दान लेना ही नहीं, बेटा नहीं तो बर्बाद होना हो तो ले लो, जो बता दो महाराज जी हमें कुछ दे दो। और कौन साधु पागल हुआ ना तो वो तुम पे दया करके दे ही देगा कि अच्छा कोई लो 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 ये किताब ले जाओ, नहीं लेना। महाराज दे में भी तो हाथ जोड़ना ना, महाराज जी मैं आपसे तो पेंसिल नहीं लूंगा, आपको चाहिए हो तो मैं लाके दे दूं। महाराज को पेंसिल दे देना, महाराज से पेंसिल नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। महाराज के हाथ से दान नाम की चीज तो लेना ही नहीं। भगवान से तो सवाल ही नहीं उठता, भगवान से कोई दान नहीं लेना। ये सब लोग अपनी जिंदगी में गांठ बांध दो, दान नहीं लेना। दान हमेशा छोटे लोगों का लिया जाता है, जैसे हम आपसे लेते हैं आहार दान, सब दान आपके स्वीकार करता हूं। आपसे जो दान दो ऐसे ही बड़ों से सेवा नहीं करवाना, सेवा करवाना ही है तो छोटों से करवाना। बड़े लोग सेवा करने आए तो हाथ जोड़ लेना, आप मेरी सेवा नहीं करोगे, जरूरत हो तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। बड़ों से सेवा कराने में हमारी शक्ति क्षय हो जाएगी और बड़ों की सेवा करने में हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। बड़ों से नहीं कराना, ऐसा ही अपनी जिंदगी में हर चीज में लेना। बड़ों हमारे जीवन में काम ना आ पाए, हम बड़ों के काम आ जाएं। बड़े हमारे संकट दूर ना करें, हम बड़ों के संकट दूर करें। ये जितना होगा इसमें बचने का प्रयास करना,
लेकिन दान में तो 100% करना। रक्षा में कभी कभी होता है कि अपन असमर्थ नहीं रहे तो बड़े हमारी रक्षा कर देते, कोई बात नहीं, इसमें प्रयास करना। इस संबंध में मैंने एक बार कहीं एक महीने पूरे बिहार के प्रश्नों में यही कहा था, जहाँ तक बने पहला एक वरदान मांगना, कभी किसी से मांगना पड़े, कोई तुम्हें वरदान देवे, बड़े वरदान देते हैं, बड़े वरदान देते हैं, वरदान में वस्तु नहीं दी जाती, वरदान में वो ताकत दी जाती है कि तुम माटी को छुओ तो सोना हो जाए, वो सोना देंगे नहीं। दान में और वरदान में अंतर समझना। दान में किसी के पास सोना है, बोले भैया मैं सोना दान में देता हूँ, तो वरदान में, वरदान में वो ऐसा आशीर्वाद देगा कि तुम माटी को छुएगे तो सोना हो जाएगा, सोना नहीं दिया जाता दान में, वरदान में सोना नहीं, बड़े वरदान देते हैं। और वरदान की डेफिनेशन है, वरदान में वस्तु नहीं दी जाती, वस्तु हुनर दिया जाता है, शक्ति दी जाती है, मंत्र दिया जाता है, मंत्र दान में नहीं दिया जाता, मंत्र वरदान में दिया जाता है, आशीर्वाद दान में नहीं दिया जाता, वरदान में दिया जाता है, ये प्रवचन दान में नहीं दे रहा हूँ, वरदान में दे रहा हूँ। तो प्रवचन दान नहीं है, नहीं तो दान देंगे तो पहले तो हमें तुम्हारी नवदा भक्ति करना पड़ेगी, मन शुद्धि भजन, दान नहीं दे रहा हूँ महानुभाव, वरदान दे रहा हूँ। दान में कोई वरदान में कोई वस्तु नहीं दी जाती, सबसे बड़ा ध्यान रखना। और दान में वस्तु दी जाती है, और बड़े लोग वस्तु नहीं देते हैं, हुनर देते हैं, ताकत देते हैं, शक्तियां देते हैं, मार्ग देते हैं, रास्ता बताते हैं, ये सब वरदान के अंतर्गत। कभी कोई वरदान देवे तुम्हारे बड़े लोग, माता पिता, गुरुजन, एक ही बात वरदान मांगना, बस मेरे गार्जियन मुझे कभी अपनी जिंदगी में बड़ों का सहारा ना लेना पड़े, यह वरदान दे दो। बिल्कुल चल रहे हैं ना दैनिक प्रवचन आपसे उल्टे चल रहे हैं ना? अपन तो क्या चाहते हैं, हे महाराज इतना सहायता दो कि बड़ों का हम सदा सहारा लेते रहें, बड़ों का सहारा बना रहे, ये बहुत बड़ा खतरनाक सोच है। मैंने इस पर बहुत चिंतन किया शास्त्रों के द्वारा, ये इतनी गंदी आदत अपनी बन गई है कि बड़ों की छाया बनी रहे, बड़ों का सहारा बना रहे, सदा हम बड़े सहारा सहारा देते रहें, यही हमारी विनाश का कारण बन रहा है। हम शक्तिहीन होते जा रहे हैं, जितने जाना हम भगवान के सहारे हो गए हमारी शक्तियां घट जाती हैं, हम गुरु के सहारे हो गए हमारी शक्तियां घट जाती हैं, हम माँ बाप के सहारे हो गए हमारी शक्तियां घट जाती हैं, हम पैर पर खड़े हो ही नहीं पाते क्योंकि हमने तो कह दिया भाई माता पिताजी आपका सहारा मेरे ऊपर बना रहे है। शक्तिहीन होते जाओगे दिन प्रतिदिन, जितना जितना तुम बड़ों का सहारा लेने का सोचोगे शक्तिहीन हो जाओगे। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपको संकट आया, हे भगवान बड़ों का सहारा मिल जाए तो मैं बच जाऊंगा, शक्तिहीन हो जाओगे। हे भगवान पिता की संपत्ति मिल जाए तो जिंदगी चल जाएगी, मिल जाएगी, लेकिन जिंदगी में कभी पैर पर खड़े नहीं हो पाओगे, और बाप की कमाई बाप के पुण्य के साथ खत्म हो जाएगी, पुण्य के साथ खत्म हो जाएगी। बाप की संपत्ति मिल जाए तो हमारी जिंदगी निकल जाए, ये अभिशाप अपनी जिंदगी में मन से निकाल दो। लेने की मना नहीं कर रहा हूं, वरदान मांगने की बात कर रहा हूं। संपत्ति मिलेगी तुम्हें लेना है, लेकिन मात्र एक वरदान मांगो अपने पिताजी से कि पिताजी वरदान ही देना है तो एक वरदान दे दो मुझे, कभी मेरी जिंदगी में आपकी संपत्ति की जरूरत ना पड़े।
आपकी संपत्ति की मेरी जिंदगी में जरूरत ना पड़े। दो वरदान पिताजी, आपका ऐसा वरदान हो कि मैं ही खुद इतना कमाऊं कि तुम्हारी कमाई को मैं हाथ भी नहीं लगाऊं, क्योंकि तुम पूज्य हो और तुम्हारी कमाई भी पूज्य है। बड़े पूजनीय होते हैं कि नहीं होते? बड़ों की कमाई पूजनी है और पूजनी कमाई भोगी नहीं जाती। पूज्य कमाई खाई नहीं जाती, पूज्य कमाई की तो पूजा की जाती है। और तुम बाप की कमाई खाओगे? बाप पूजनी है तो उनकी कमाई भी पूजनी है, उनका मकान भी पूजनी है, उनका सब कुछ पूजनी है, क्योंकि पिताजी पूजनी है। और पूजनी वस्तु को भोगा नहीं जाता, पूजनी वस्तु को पूजा जाता है। पूजनी वस्तुओं को उपयोग नहीं किया जाता, उनको तो नमस्कार किया जाता है। बहुत बड़ा वरदान तुम्हें देने की बात कला से कम, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। हिम्मत करना थोड़ा पिताजी के पैर छू करके, पिताजी आप मेरे पूजनीय हैं, आपका जो कुछ भी है सब मुझे पूजनीय है, आपका पसीना पूजनीय है, आपकी पसीने की कमाई है, बस एक वरदान दे दो, मैं इतना कमा लूँ, इतना कमा लूँ कि आपकी संपत्ति को हाथ नहीं लगाऊं। तो फिर मैंने तो तेरे ही लिए कमाया है। पिताजी पिताजी थोड़ा पूरी सुन लो, मैं भी आजकल एक महाराज का चेला हो गया हूँ। आप भी महाराज के चेले नहीं हो, अब मैं भी थोड़ा थोड़ा हो रहा हूँ। आपकी कमाई तो पूजनीय है, मेरा मन है कि आपकी कमाई से ऐसा जिनेन्द्र मंदिर बनाऊं जिसे 3 लोग पूजा करें, ये मेरा मन है। आपकी कमाई पूजनीय थी और पूजनीय बनाऊंगा। हा हा महानुभाव, गजब का सोच। यदि कभी तुम्हें ये भाव आ जाए मेरे पिताजी पूजनीय है, उनकी कमाई भी पूजनीय है और ये सदा पूज्य बनी रहे, सदा पूज्य बनी रहे। बोलो कब पूज्य बनी रहेगी? पिताजी की कमाई जब पूज्य कार्य में लगाओगे। तुमने तो भोग में लगा दिया, मिट गया, खत्म हो गया। भावना करो, शक्ति नहीं हो, असमर्थ हो, एक बार मांगो तो सही पिताजी से। तुम तो वो आदमी हो कि पिताजी का थोड़ा बुढ़ापा देखते पिताजी नाम माम बदल दो, तुम्हारा क्या भरोसा कपटे निपट जाओ। करो, हिम्मत करो, बहुत बड़ी हिम्मत करो। पिताजी के पैर छूकर कभी वरदान मांग लो कि बस मुझे एक ही दो कि आपकी जिंदगी में मुझे धन की तरफ, आपकी धन की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि आपका धन मेरी दृष्टि में पूजनी है और मैं उसे सदा पूज्य बनाना चाहता हूँ। ऐसी चीज में खर्च करूँगा जो सदा उससे धन से बनी हुई इमारत पूजनी रहेगी। ये ले लेना, नहीं कर पाओ तो वो तो संपत्ति मिल रही है। मेरा सोच है, ये सोच, ये वरदान यदि तुम्हें मिल गया तो तुम बेटा तो शेर था, बाप तो शेर था, तुम सवा शेर हो। जितनी बाप की संपत्ति है उतनी संपत्ति तो तुम्हारे नौकरों के पास होगी, तुम इतने आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि तुमने पिता की संपत्ति को पूजनी बनाने का संकल्प लिया है। बहुत कठिन प्रश्न है, एक कठिन मोटिवेशन है, लेकिन हिम्मत हो तो कभी पिताजी से कर लेना। कभी यदि गुरु से आशीर्वाद मांगना पड़े और पिताजी को दूसरा क्या करना, बस पिताजी के सामने एक संकल्प करना, मेरा सहारा नहीं चाहिए, बोले नहीं, मेरी संपत्ति नहीं चाहिए, नहीं, मेरी जिंदगी में तेरे लिए कोई जरूरत नहीं है, बोले नहीं, मेरी कोई जरूरत नहीं, मेरे से कुछ नहीं चाहिए, नहीं, मुझे एक वरदान दो, मेरी पूरी जिंदगी का एक एक क्षण मैं तुम्हारे लिए दे सकूं, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं,
मैं तुम्हारा सहारा बन सकूं। बोलो, पिता के बड़े होने पर पिता तुम्हारा सहारा बने कि तुम पिता के सहारा बनो, ठीक क्या है? पिता तुम्हारा सहारा बने कि तुम पिता के सहारा बनो? तुम तो कह रहे हो पिता सहारा दो, शराबी कहीं का, ये शराबी है। शराबी बेटा जब नाली में गिरता है तो उस उम्र में जब पिता को सहारे की जरूरत थी, पिता बेटे को नाली में से उठाकर सहारा देकर घर ला रहा है, ये सौभाग्य की बात के दुर्भाग्य की बात। पिता बुढ़ापे में जिस समय उसको सहारे की जरूरत है, बेटा ऐसा निकम्मा निकला कि पिता जाकर बेटे को नाली से उठाकर पकड़ करके घर ला रहे हैं सहारा दे करके। जब पिता बेटे को सहारा देकर घर लाए बड़े होने के बाद, बालक में नहीं, सारी दुनिया तुझे धिक्कारेगी, सारी दुनिया की नकारात्मक दृष्टि तेरे लिए विनाशकारी हो जाएगी। बड़े होने के बाद तुम्हें यदि पिता सहारा दे करके ला रहे हैं, बीमारी हाली को छोड़ देना, असमर्थ को छोड़ देना, बालक को छोड़ देना, तुम सब कुछ ठीक हो और पिता को सहारा देकर लाना पड़ रहा है, महानुभाव गलती मत कर देना। सारे ब्रह्मांड की शक्तियां तुझे अभिशाप देगी, इस उम्र में पिता सहारा दे रहा है तुझे। अरे ये उम्र तो वो थी जो पिता को तू सहारा देकर लाता है। दो व्यक्ति आ रहे हैं, दो वृद्ध मंदिर आ रहे हैं, दो व्यक्ति रास्ते में चल रहे हैं। एक वृद्ध बेटे को सहारा देकर मंदिर ला रहा है, घर ला रहा है, और एक पिताजी को सहारा देकर बेटा घर ला रहा है। तुम ही बताओ दोनों में से अच्छा कौन लग रहा है? एक बेटा अपने माँ बाप को सहारा देकर के घर ला रहा है, चारों तरफ जय जयकार, वाह क्या बेटा है, क्या बेटा है, पिताजी को सहारा दे करके ला रहा है, चारों तरफ जय जयकार। वो महाराज टकरा गए तो वो भी कहते, वाह बेटा पिताजी को सहारा दे के ला रहे हो, तेरा जीवन धन्य हो जा। जिसने पिताजी को सहारा दिया है उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वरदान तुझे मिल जाएगा, क्योंकि तूने पूज्य पुरुष को सहारा दिया है। और वो व्यक्ति पूज्य पुरुष एक लड़के को नशे में पड़ा था, उसको उठाकर बोले, पिताजी क्या है बात? बोले, ये बेटा है, रात में थोड़ी ज़्यादा पी ली थी, पता चला कि नाली में पड़ा है और वो सहारा देकर घर ला रहा है। बोलो क्या अभिशाप मिलेगा? पिता बेटे को सहारा दे रहा है, होश में आओ। कल परसों हमने बेटे की बात कही थी, आज अपनी जिंदगी में एक नियम ले लेना, ऐसा कृत्य कभी मत करना कि बाप को तुम्हें सहारा देना पड़े। हर क्षेत्र में बस एक साधना करो, एक तपस्या करो, बाप का सहारा नहीं चाहिए, बाप का सहारा बन करके जीऊंगा। कमाने के बाद बाप से पैसा नहीं चाहिए, हमारी कमाई बाप की गोदी में जाएगी। बड़े होने के बाद, शादी के बाद में माँ के हाथ की रोटी खाना, पिता से खर्चा लेना, ये तुम्हारे जन्म जन्म की दरिद्रता का निमंत्रण है। जन्म जन्म की दरिद्रता का निमंत्रण है। शादी हो गई, बहू घर में आ गई, और फिर भी तुम माँ के हाथ की रोटी खा रहे हो। माँ तुम्हारे कपड़े धो रही है, माँ तुम्हारे लिए रोटी बना रही है, माँ तुम्हारे कपड़े में कमरे में झाड़ू लगा रही है। महानुभाव गलती मत कर देना, हर बच्चे को शादी होने के पहले अपनी पत्नी को कह देना, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, तेरे घर में आने के बाद मैं माँ को चूल्हे पर नहीं बैठने दूंगा, कपड़े धोने के लिए बाथरूम में नहीं जाने दूंगा। चिल्लाते हो तो माँ मेरे कपड़े में प्रेस हो गया कि नहीं, माँ चाय बन गई कि नहीं, माँ बोल, घर में जाते ही
बहुत बदमाश लोग हो तुम लोग, पत्नी को नहीं चिल्लाते घर में जाके, चिल्लाओगे तो वो ठिकाने लगा देगी। मम्मी यदि बिचारी सीधी सादी मोही, माँ चाय है, माँ पानी दे दो, माँ रोटी दे दो, माँ भाई मोरे कपड़े धुल गए कि नहीं, अरे माँ है रे, नौकरानी नहीं है, पूजा करो, उससे कपड़े मत धुलवाओ, अब उसके कपड़े धो, वो भोजन नहीं बनाएगी, तुम भोजन बनाओगे, तुमने भोजन खाया है 25 साल उसकी बनी रोटी का, तो 25 साल तुम्हारी पत्नी बना के खिलाए, और पत्नी यदि मैम साहब हो तो तुम बना के खिलाओ, लेकिन माँ रोटी नहीं बनाएगी, पिता रोटी नहीं। बड़े होने के हाल माँ की बनी रोटी खाना अभिशाप है, माँ पूजनी है, और पूज्य व्यक्ति छोटों की सेवा नहीं करता। साधु के बने हाथ का भोजन खाना पुण्य है कि पाप? नहीं तो एक आध दिन कहो महाराज आप भी, हाँ क्या बात हो गई, ऐसे थोड़ी है कि बना के नहीं जानता हूँ, खिला दूंगा लेकिन बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना, तुम भी होगे और हम भी होंगे। माँ बाप से नहीं, माँ बाप अब आप मेरी सेवा नहीं करेंगे, आप रोटी नहीं बनाएंगे, आपके लिए हम बनाएंगे, आप मेरे कपड़े नहीं धोएंगे, आपके कपड़े मैं धोऊंगा माँ। पिताजी आप मेरे लिए नहीं कमाएंगे, अब मैं आपके लिए कमाऊंगा। यदि पिता आजकल कह देता भैया आजकल मैंने कमाना बंद कर दिया है, पिताजी के सुनना कौन से अभिशाप होते। कभी पिताजी, आजकल पिताजी अपने बेटों को बहुत अभिशाप दे रहे हैं, बहुत जम की बेइज्जती कर रहे हैं, जितनी बेइज्जती कर सकते हैं। बेटे समझ नहीं पा रहे, बेटा इसे अच्छा समझ रहे हैं, बेटा ये समझ रहा है कि मेरे बाप मेरी इतनी चलती है कि मेरे बाप मेरे से पूछे बिना कलश नहीं ले सकता। कालर ऊंची करते हो आप, देखा मेरी इतनी चलती है, इतनी चलती है मेरी कि बाप भी मेरे पूछे बिना, ये बहुत बड़ा अभिशाप ले रहे हो आप। यदि मेरा भक्त है तो मैं आज सारी दुनिया से कहना चाहूँगा, यदि पिताजी कभी सुनना गौर से, जब कोई चंदा मांगने आवे, कोई दान की बात आवे, कोई किसी कार्यक्रम में बोली लग रही हो और पिताजी ने कमाना छोड़ दिया है, यदि वो ये कह रहे हों भैया आजकल हमने तो दुकान पर बैठना बंद कर दिया है, व्यापार करना बंद कर दिया, अब तो बच्चे कमाते हैं, कुछ लेना देना है तो बच्चों से पूछ लो और मैं भी बच्चों से पूछ लूँ, अभिशाप। पिता के मुख से ये शब्द निकल गया कि बच्चों से पूछ लो, आजकल मैंने कमाना बंद कर दिया है, अब मैं क्या करूँ। उस घर में एक ना एक दिन खाने के लाले पड़ेंगे, ये बाप का अभिशाप है। नहीं समझ पाए तुम, सासू ने कह दिया बहू से, अरे भाई अब बहू आ गई है उससे पूछ लो, बहू का अभिशाप, एक एक कौड़ी को मोहताज हो जाएगी तू, ये सासू का अभिशाप, ये सासू का अभिशाप, ये बाप का अभिशाप है। इसे तुम अच्छा समझ रहे हो, तुम समझ रहे हो कि मेरा घर में इतना प्रभाव हो गया कि बाप भी मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता, ये गुंडागिर्दी है। दुनिया पर गुंडागिर्दी कर देना, अपने बाप का गुंडा कभी मत बनना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, ये गुंडागिर्दी है। आज ही अपने पिता के पैर छू के कहना है, पिताजी आज भी आप मेरे पिता हैं, आप जब कमाते थे तब तो मेरे से नहीं पूछा, जब हम बालक थे तब तो मेरे से नहीं पूछा, आप बोल के आ जाते थे, मेरे से नहीं पूछा। बोला बेटा अब आजकल मैंने कमाना बंद कर दिया है, आपने कमाना बंद कर दिया है, मैं आपका ओरिजिनल खून हूँ के नहीं, ओरिजिनल बेटा हूँ के नहीं। बोले बेटा ये कैसी बात कर रहा है, ओरिजिनल बेटा हूँ ना, जब ओरिजिनल बेटा हूँ तो तुम जब कमाते थे जितना अधिकार था, आज भी मेरी कमाई पर भी आपका उतना ही अधिकार है, मेरे पर अधिकार है तो मेरी कमाई पर अधिकार है, मैं आपका बेटा हूँ
तो बेटे की हर कमाई आपका पिता का अधिकार आप पे है कि नहीं? तो आपकी हर कमाई पर अधिकार पिता का होना चाहिए। आज भी वही हो पिताजी, आप बोल के आइए, ये शब्द मत बोलना। ये शब्द यदि महाराज के सामने बोल दिया तो महाराज के सामने हमारी धुल गई, समझ लेंगे इसका छोकरा गुंडा है जो बाप को थर थर कंपाता है, बार बाप से, बेटा बाप बेटे से कांप रहा है, बेटे डर रहे। और बेटा कहते हैं अपने दोस्तों में, यार दोस्त मेरे घर में ऐसी चलती है कि मेरा बाप भी मेरे बिना पत्ता नहीं ला सकता। ये गुंडागिर्दी को कभी अपने घर में अपने दिमाग में नहीं आने देना। पिता से कहो मेरी हर संपत्ति आपकी है और उतना ही अधिकार है जितना आपकी अपनी कमाई पे अधिकार था। कभी किसी के सामने पिताजी इतनी बेइज्जती मुझे मत कराना, जूते मार लेना, निकालना हो तो घर से निकाल देना, लेकिन समाज के सामने ये मत कहना बेटे से पूछ लो मैंने कमाना बंद कर दिया है। ये शब्द मत बोलना, ये घर की इज्जत है, घर की नाक है। और ये यदि पिताजी के पास अधिकार हो गया और पिताजी ने यदि कह दिया, किसी ने कमेंट कहा साहब कुछ बोली ले लो, तो कमेटी कहेगी नहीं आप कहो तो मैं बेटे को फोन लगा लूं, बेटे को फोन नहीं 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 बेटे से पूछने की जरूरत नहीं है, उसकी तो सारी संपत्ति मेरे चरणों में समर्पित है, उससे पूछने की जरूरत नहीं। और पूछ लोगे तो और मामला बिगड़ जाएगा, नहीं मेरे लिए समर्पित है मेरा बेटा, उसकी संपत्ति सब मेरे लिए ही है, बस मेरा मन कर रहा है इस समय बेटे के बहुत कार्य हैं इसलिए मैंने थोड़ा दान देना कम कर दिया है क्योंकि बेटे के पास जरूरत है, बेटे से मैं पूछने दे। और ये शब्द तुम्हें कभी मिल जाए कि मेरे पिताजी ने कमाने के बाद भी मेरी संपत्ति पर अधिकार जताया है और महाराज के सामने कह दिया कि बेटे की संपत्ति मेरी संपत्ति है, मेरा बेटा तो इतना है, सब कहता पापा आपकी है, कमाई भी आपकी है, मैं भी आपका ही हूँ, इसलिए बेटे से तो पूछने की जरूरत नहीं है। ये शब्द तुम्हें कहीं मिल जाए तुम्हारे पिता के मुख से कब? बुढ़ापे में। बुढ़ापे में पिता के मन में ये भाव आ जाए कि नहीं मैं नहीं कमा रहा हूँ तो भी आज भी मुझे उतना ही देने का अधिकार है, आज बेटा पूरी कमाई वो कर रहा है तो भी बेटे की कमाई पर उतना ही मेरा अधिकार है। यदि पिता के मुख से कभी ये दुआ निकल जाए, जाओ तुम एक दिन चक्रवर्ती जैसे सम्मान पाओगे, किमिक्षिक शक्तियों के भंडार पा जाओगे, क्योंकि तुमने माँ बाप को किमिक्षिक कर दिया अपनी शक्ति पर, अपनी संपत्ति माँ बाप के हवाले कर दी। कितने माँ बाप हैं जो अपनी सारी कमाई बेटे के हवाले करते हैं, कितने बेटे हैं जो माँ बाप अपने मकान बेटों के नाम खरीद लेते हैं, कितने माँ बाप हैं जो अपनी सारी वसीयत बेटों के नाम दे जाते हैं और तुम्हारे जन्म लेते ही कहना शुरू कर देते हैं काय के लिए कमा रहे हो उधर, अरे बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, आपसे भी कहते ये सब मैं तेरे लिए तो कमा रहा हूँ। बंधु ये कहते तो हमने बहुत सुना है और तुम बहुत खुश हो जाते जब पिताजी कहते बेटा मैं सब तेरे लिए ही कर रहा हूँ, कैसा लगता है? सब तेरे लिए तो ये मकान बनाए हैं, ये इतना व्यापार फैलाया सब तेरे लिए फैलाया है, मुझे तो क्या, हमारे तो अब चंद दिन रह गए हैं, मैं जो कमा रहा हूँ जो कुछ भी कर रहा हूँ सब तेरे लिए कर रहा हूँ, ये माता पिता बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। कैसा लगता है जब पिताजी कहते बेटा सब मैं तेरे लिए कमा रहा हूँ, तेरे लिए नई फैक्ट्री डाली है, सब तेरे लिए है, हमारे लिए तो क्या, हमारा तो सब हो चुका, सब तेरे लिए है। ऐसी प्यार भरी भाषा जब तुम्हारे मम्मी पापा बोलते हैं, बोलो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अरे मम्मी पापा मुझे इतना चाहते हैं, ओ बुद्धि चंद मूर्खानंदो
यही तुम्हारी बर्बादी का कारण बन जाएगा। सब तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ये मकान तुम्हारे लिए बनाया है। इसका समझ लो, मम्मी पापा की दृष्टि में मैं निकम्बा हूँ, कर्महीन हूँ, कर्म फूटा हूँ, तभी तो वो मेरे लिए कमा रहे हैं। तुम्हारी औकात बता दी तुम्हारे पिताजी ने कि तू बदकिस्मती है, तू पुण्यहीन है, तू अपने लिए मकान नहीं बना पाएगा, इसलिए उन्होंने एक बंगला बना करके दे दिया। एक दादाजी थे राजस्थान में, वो आए बोले महाराज जी सारी इच्छाएं, उनके चार बेटे थे तो उन्होंने तीन बंगले बना दिए थे। बोले महाराज जी बस एक ही इच्छा है, एक बंगला और बना दो, एक बेटा और बस उसका बंगला बना दो, फिर हमारी सब इच्छा पूरी जाए। वो तो आए तो आशीर्वाद लेने थे। मैंने कहा दादाजी मुझे खेद है कि तुम मेरे भक्त हो। महाराज जी क्या बुरा बात कह दी मैंने, मैंने कि तुमने बेटे जन्मे निकम्बे, जन्मे निकम्बे, महाराज निकम्बे नहीं है, तो फिर उनके लिए बंगला बनाने की चिंता तुम्हें क्यों? इसका अर्थ तुम जानते हो कि बेटे की किस्मत में नहीं है कि वो बंगला बना लेगा, हम बना के दे जाएंगे तो बेचारा रह लेगा, नहीं तो सड़क पर सोएगा। तुमने लड़कों को नहीं जन्म दिया है, निकम्मों को जन्म दिया है, पुण्यहीन को जन्म दिया है, कर्म फूटों को जन्म दिया है, जिसकी तुम्हें इस बुढ़ापे में चिंता पड़ी है। एक डेढ़ मिनट में मैं उनको पसीना निकाल दिया। मैंने कही कोई बात नहीं, आशीर्वाद है, निकम्मे बेटों पर दया करनी चाहिए, भाग्यहीन पर दया करनी चाहिए। क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, जो बेचारे भाग्यहीन है, कर्महीन है, उन पर तो दया करनी चाहिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, जाओ तुम्हारा चौथा बेटा जो भाग्यहीन है उसका भी बंगला बन जाए, मेरा आशीर्वाद है। सेठ जी कहते महाराज गाली देकर आशीर्वाद दे रहे हो, गाली देकर आशीर्वाद दे रहे हो, बेटों को निकम्मा बना दिया और आशीर्वाद दे रहे। मैंने कहा मेरी तो भाषा ही ऐसी है, इस बुढ़ापे में मुझे ये शब्द चाहिए पिता से, पिता से वो शब्द चाहिए। महाराज जी ऐसे बेटे जन्मे हैं, मुझे कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, हम क्या बंगला बना के देंगे, मेरे बेटों में इतनी हुनर है कि बेखुद हवेली बना देंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं करना। ये पिता यदि बुढ़ापे में बोल दे कि मुझे कोई चिंता नहीं, अरे बेटों को तो तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, बोले कोई चिंता नहीं है, मेरे बेटे मेरे से शेर से सवा शेर हैं, मैं क्या उनको बनाऊंगा, वो खुद हवेली बना लेंगे। यदि पिता इतना निश्चिंत हो जाए, जाओ तुम्हें पिता का वरदान ऐसा मिलेगा कि तुम्हें जिंदगी में कभी किसी का सहारा लेना नहीं मिलेगा। और पिता मरते समय कहे कि अरे अभी मैंने बेटों को ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाया, तो हाथ जोड़ के कह देना पिताजी कभी आप मेरे लिए कुछ मत करना, आप पूज्य हैं, मैं पूज्य पुरुषों की सेवा स्वीकार नहीं करता हूँ, आप मेरे लिए नहीं कमाएंगे, आप कभी किसी से ये नहीं बोलेंगे कि मैं बाल बच्चों के लिए कमा रहा हूँ, आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि ये जो मैं मेहनत कर रहा हूँ समझता हूँ मैं सब बाल बच्चों के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए नहीं कमाओगे आप, कमाओ आप, आपकी मर्जी, मैं रोक नहीं सकता, लेकिन मेरे लिए नहीं कमाओगे, मेरे लिए मकान नहीं बनाओगे, मेरे लिए आप कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, आप बाद में मेरे लिए मत कमाना, बाद में आप जो देंगे मैं प्रसाद मान के ले लूंगा, लेकिन मेरे लिए मत कमाना, मेरे नाम से पिता की कमाई से कोई जमीन प्लाट अपने नाम मत करवाना। पिताजी कहें बेटा मैंने एक मकान तेरे नाम, पिताजी कमाई किसकी है, बोले मेरी कमाई है, पिताजी हाथ जोड़ता हो आपकी कमाई का प्लाट मेरे नाम नहीं है, आप अपने नाम से खरीदिए और बाद में भली तुम चाहो तो मुझे दे दीजिए, लेकिन मैं तुम्हारी कमाई पे नहीं, आश्रय पे नहीं रहूंगा। आज सब कुछ उल्टा हो रहा है,
आप मेरी कमाई के मालिक हैं, हम आपके मकान में जन्मे हैं, हमारा एक नारा है अच्छे बेटों के, पिताजी के मकान में तुम्हारा जन्म हुआ है, माँ का जन्म माँ के एक मकान में तुम्हारा जन्म हुआ है, संकल्प करो मेरे मकान में मम्मी पापा का मरण होगा। जन्म तुमने कहाँ लिया है? माँ बाप के मकान में। अब मम्मी पापा का मरण कहाँ हो? कौन से मकान में? बेटे के मकान में मरण हो, कि मम्मी पापा मैंने जन्म आपके मकान में लिया है, अब मैंने मकान बनाया है आपके लिए, आप मेरे मकान में अंतिम श्वास छोड़ोगे। और जिसके बेटे के मकान में माँ बाप की अंतिम श्वास छूटती है, उस बेटे को कभी अल्पायु नहीं मिलती, अकाल मौत नहीं होती, क्योंकि बेटे के मकान में उसकी मौत हुई। ये परस्पर उपग्रह है। अब मतलब मम्मी पापा आप रोटी नहीं खा बनाओगे, मैं बना के खिलाऊंगा। आप मेरे खाने के पहले मेरे खिलाने के बाद में आप भोजन करती थी। कितने माँ बाप हैं जो बेटे के भोजन कराने के बाद भोजन करती हैं? आप लोग बेटे को खिला करके भोजन करती हैं या पहले ही अपनी डकार जाती हैं? आशा रानी कह रही कि नहीं बेटे को खिला, माँ है ना, अच्छी माँ है। कितने परसेंट ये मान लो, कितने परसेंट मान लो? सब पक्का है, हमें भारत के माता पिताओं पर विश्वास है। चलो 99%, 1% बट्टा खाते डालता हूँ। कितने बेटे हैं जो बड़े होने के बाद मम्मी पापा के बाद भोजन करते हैं? मम्मी पापा को चाय पिलाने के बाद चाय पीते, मम्मी पापा को भोजन कराने के बाद भोजन करते, मम्मी पापा के सोने के बाद सोते हैं। कितने माता पिता हैं जो बेटे बिटिया को सुला करके सोते हैं? सुला, और कितने बेटे हैं जो मम्मी पापा को सुला करके सोते हैं? कितने परसेंट बेटे हैं जिनका ये नियम है कि मम्मी पापा जब भोजन कर लेंगे उसके बाद हम भोजन करेंगे? अभी बेटों से पूछ रहा हूँ, नियम बताओ। कितने परसेंट मान लो? 1%? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मम्मी तो उठ ही नहीं पाती, उसके ही पहले तुम डकार लेते हो। माँ का वह ऋण जो तुम्हें पिलाने के बाद तुम्हें खिलाने के बाद खाती थी, अब सही है कि आज हर व्यक्ति को नियम लेना है कि हम घर में हैं तो मम्मी पापा के भोजन करने के बाद भोजन करेंगे। समझ लेना, अब तुम बड़े होने के बाद मम्मी पापा के पहले तुमने भोजन किया तो इतना ही बड़ा पाप है कि तुमने महाराज के आहार कराने के पहले अपने डकार करके भोजन करके कर रहे हो। महाराज को आहार कराने के बाद कराए जाते कि पहले? शास्त्र में तो यही लिखा है, पहले मुनि को दे फिर निज करें आहार, स्वयं कुछ भी नहीं खाता, पहले महाराज को देता है, पहले महाराज को देता है। महाराज जी बाद में कहने में क्या बाधा है? हम खा पी लेंगे बाद में, नहीं, खाने के बाद जो आहार दिया जाता है वो भिखारी को दिया जाता है और खाने के पहले जो आहार दिया जाता है वो साधु को दिया जाता है। खाने के बाद तुमने आहार दिया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया, एक साधु को तुमने भिखारी समझ रखा है। बचा हुआ धन, बचा हुआ भोजन, बचा हुआ समय भिखारी को दिया जाता है। यहाँ एक बोर्ड पर लिखा है, कल पढ़ा था मैंने, ये जो बोर्ड लगा ना ये हमारी वाक्य लिखा है, था लिखा है ना नीचे, बचा हुआ समय। आप लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो। हाँ महाराज जी समय रहेगा तो आ जाऊंगा। समय क्या तुमने भिखारी समझ रखा है मंदिर को? समय रहे महाराज जी, देखो समय नहीं मिलता, समय बचेगा तो मंदिर जरूर जाऊंगा।
समय बचेगा तो, समय बचेगा तो मैं महाराज जी प्रवचन सुनने आऊंगा, समय बचेगा तो मैं माला फेर लूंगा महाराज। मत फेरना रे, ये भिखारियों का दरवाजा नहीं है जो समय बचने के बाद, समय बचने के बाद, समय रहेगा तो कर लूंगा, मत करना। मंदिर आओ समय बचने के पहले, बाद में नहीं, समय पहला समय मंदिर का होगा, बाद में दुनिया का हो। समय बचने पर मंदिर आओगे, तुमने मंदिर को भिखारी समझ रखा है, और दुनिया के काम पहले मंदिर निकाल के करोगे तो शेष समय भिखारी का नहीं, वो समय प्रसाद कहलाएगा, क्योंकि मंदिर आने के बाद समय बचेगा। पहले मैं मंदिर जा रहा हूं, उसके बाद जो समय बचेगा उसमें हम और कार्य करेंगे। तो मंदिर से लौट करके जो समय बचा है वो प्रसाद हो गया, और घर के कार्य निपटा करके मंदिर गए तो तुमने मंदिर को भिखारी समझ रखा है। कभी मत जाना, शाम को मंदिर जाने की मनाही नहीं, वो कभी बताऊंगा, लेकिन सुबह नहीं जा पाए तो शाम को चले जाऊंगा, कोई टाइम ही नहीं मिला, जाना ही मत। मंदिर का इतना अपमान मत करो, समय मिलेगा तो चला जाऊंगा। मंदिर का वो सम्मान करो, समय मिलेगा तो चला जाऊंगा। अरे समय निकाल करके मंदिर जाऊंगा, दुनिया के कामों को समय बचे या नहीं बचे मेरे मंदिर का नियम है। चक्रवर्ती ने जब कहा कि राजन इतने सारे लोग, बोले नहीं, बचा हुआ समय भगवान को नहीं, पहला समय भगवान को है और बचा हुआ समय संसार को है। बचा हुआ समय, समय में अभी प्रातः काल क्यों मंदिर बुलाया जाता है? प्रातः काल ही तुम अभिषेक पूजन क्यों करते हो? दोपहर में कर लो, शाम को कर लो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये बताना चाहते भगवान, आप मेरे त्रिलोक पूज्य हैं, सबसे पहले आपके लिए समय है मेरी जिंदगी में, सबसे पहले मंदिर के समय है, अभिषेक का समय है, पूजन का समय है, बाद में बचेगा तो संसार के लिए समय है। ये सम्यक दर्शन की निशानी है। सम्यक दृष्टि धर्म को पहले समय निकालता, ऐसे ही धन। आप लोग क्या कहते हो महाराज जी? वो देना तो है दान, वो 31 मार्च के बाद बचेगा तो सारे खर्चा पानी सब हिसाब लगा लूं कि इतना पैसा है, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, हाँ फिर महाराज बच रहा है 10 लाख बच रहे हैं। मत देना, भिखारी नहीं है ये धर्म, धर्म भिखारी नहीं है। सारे खर्चों के हिसाब लगाने के बाद जाकर के दान देते हो, वो भिखारी का दान है, और एक पाप और लगेगा, धर्म को भिखारी बना रखा तुमने। जो देना है, पहला हमने जो कमाया है सबसे पहले मैं दान का निकालूंगा, जो बचेगा उससे खर्चा चलाऊंगा, वो प्रसाद है। एक कौड़ी निकालो, एक रुपया निकालो, पहले निकालो पहला दान का। हमें एक बही खाता मिला था सांगानेर में, लगभग 150 साल पुराना, उसके बही खाते के हर पन्ने पर पहली कलम दान की डली थी। वो दुकान जब खोलता तो पहली कलम दान देता था, मंदिर खाते पाई चलती थी ऐसी आड़ी लाइनें खींचती थी, पहले 4 आना 8 आना, पहली कलम, पहला कमाने के बाद जो बचे, नहीं वो नहीं, पहला दान निकालो, बचे हुए से संसार चलाओ। इसका सबसे सरल उदाहरण देता हूं, भिखारी को कौन सी रोटी देते हो? जल्दी बोलो, बची हुई, वो भी कल की, जितनी पुरानी बची होगी उतने ही तुम भिखारी को दोगे। वो महाराज को नहीं, महाराज महाराज सब एक ही है, अपन तो खा पी करके बाद में देते हैं। माँ बाप को भिखारी मत बनाओ रे, कि तुम खा पी करके रह जाओ, बाद में मम्मी पापा खाएंगे। नहीं, यदि तुम्हारी शादी हो गई तो सबसे पहले घर का ये नियम होना चाहिए कि मम्मी पापा पहले भोजन करेंगे, उनके बाद बचा हुआ हम खाएंगे, वो प्रसाद हो जाए। माताओं का तो हमने नियम ले लिया, पिताओं का बता दिया कि बेटों को खिला के खाते हैं। कितने बेटे हैं जो माँ बाप के भोजन के बाद भोजन करते हैं,
जिनकी शादियां हो चुकी हों उनसे पूछ रहा हूं। मम्मी पापा के बाद भोजन करते हो, शाबाश बेटा, जाओ, तुम्हारे ऊपर सदा ऐसी छाया बनी रहेगी कि तुम कभी भी अपने जीवन में, अब थोड़ा पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन मेरे मन में बात आती, फिर बाद मुझे गैस बनती है, बहू से और पूछ लो, क्यों आप हंस गई, इसका अर्थ कितनी बहुएं हैं जो सासू के खाने के बाद भोजन करती हैं। हमारा नियम है कि जब तक सासू भोजन नहीं करेगी तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा। अच्छी सासू बात कर रहे, चलो खोटी सासू सोच लो, महाराज मेरी सासू बहुत उद्दंड है, आप उसके पहले तो मैं खाऊंगी, अच्छी सासू, ये नियम तुम्हारे घरों में होना चाहिए। बचा हुआ धन नहीं, बचा हुआ समय नहीं, कभी धर्म कार्य के लिए नहीं बोलना, समय मिलेगा तो आ जाऊंगा, समय मिलेगा तो माला फेर लूंगा, समय मिलेगा तो कर लूंगा, नहीं, समय कैसे नहीं मिलेगा, धर्म के लिए समय मिलेगा नहीं, अरे कर्म के लिए समय मिलेगा तो कर लेंगे, धर्म के लिए तो हमारे पास समय सबसे पहले है, ये परिणाम तुम्हारे जागना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपको एक वरदान आज लेना, किमिक्षिक वरदान की बात कर रहे हैं, तुम चाहते हो कि बड़ों से हमारी सहायता मिलती रहे, नहीं महाराज, एक वरदान दे दो आप, बस ऐसी ताकत दे दो मुझे कभी आपके सामने हाथ ना फैलाना पड़े, आपका सहारा ना लेना पड़े गुरुदेव, बस एक वरदान मुझे दे दो, हमारी जिंदगी में ऐसी किस्मत ना आ जाए, ऐसे बुरे दिन ना आ जाए कि मुझे आपका सहारा लेना पड़े, प्रभु आपके सामने मुझे हाथ फैलाना पड़े, आप मेरा सहारा बने, बस एक वरदान ये दे दो। और दूसरा वचन मैं देता हूं कि जिंदगी की अंतिम श्वास तक गुरुदेव तुम्हारा सहारा बन के रहूंगा, तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए सब कुछ है, मैं आपके सहारा बन के रहूंगा, आप मेरा सहारा। गुरु शिष्य का सहारा ले वे दुर्भाग्य है, है? और शिष्य गुरु को सहारा दे वे सौभाग्य है, यही भगवान की बात समझ, वही हनुमान वाली बात, हनुमान एक ही प्रतिज्ञा थी, प्रभु बस एक ही वरदान दो मुझे कभी आपकी जरूरत ना पड़े, आप मेरे संकट, ऐसा संकट नहीं आ जाए जिस संकट को दूर करने के लिए आपको उठना पड़े, आपको शस्त्र उठाना पड़े, मेरी रक्षा के लिए मेरे बॉडीगार्ड आपको बनना पड़े, हनुमान ने एक वरदान मांगा था, बस प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो एक बार दे दो कभी जिंदगी में ऐसा संकट ना आ जाए कि आपको मेरी रक्षा करना पड़े।